एक और सवाल आया एक बहन का, वो ये कह रही हैं कि बहुत सारी शादियां ऐसी भी हैं जो ख़राब हो रही हैं सिर्फ इस वजह से कि खावंद बहुत ज़्यादा मजहबी है या औरत, यानी वो दीन के काम में पड़े रहते हैं लेकिन अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख रहे। देखिए बहुत ख़तरनाक बात है, मैं आपको एक ना एक चीज़ बताता हूँ। एक बहुत खूबसूरत बात है आसूल वसलम की ज़िंदगी में हम देखें तो कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो अल्लाह ताला को आसूल वसलम से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और आप पढ़ें कि वो अपने अजवाज मुतहरात के साथ कैसे थे, जो कि आप सोच नहीं सकते। आप सबने पढ़ा हुआ माशाल्लाह कि उनका अपने अजवाज के साथ क्या मामला था। एक दफ़ा आसूल वसलम से ये पब्लिकली पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप किसी बड़े शेख से पूछें, हमारे जो शेख हैं, और उनसे पूछें कि आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, तो क्या कहेंगे जवाब? और आप सल्लम का जवाब देखें, आयशा मेरी बीवी। वो पब्लिकली, प्राइवेट नहीं, पब्लिकली बता रहे हैं कि मैं अपनी आयशा से मोहब्बत करता हूँ रज़ी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो फिर उनसे पूछा गया कि नहीं, मर्दों में से उन्होंने सोचा कि शायद मेरा नाम आ जाए, तो उन्होंने कहा उनके वालिद। और आप ये देखें कि जब उन्होंने हज़रत अबू बकर का भी जिक्र किया ना, तो उन्होंने हज़रत आयशा के थ्रू कहा कि उनके वालिद। देखिए वहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा अबू बकर रज़ी अन्हु, बल्कि उनके वालिद। उनके किन के वालिद? आयशा के। और हमें उनकी सीरत में मिलता है कि वो अपनी अज़वाज मुतहरात कैसे थे। अगर वो प्याले से पानी पीती तो आप सल्लम भी उसी प्याले की उसी जगह से जो है वो पानी पीते। सुभान अल्लाह। इससे हम ये सीखते हैं कि इस तरह आप अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, सिर्फ कहते नहीं। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिससे हम सीख सकते हैं। और ये आइडिया कि आपका खावन जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है पढ़ने में, और आप अपनी और अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं कर रहे, तो बहुत ख़तरनाक बात है। और असल में रियलिटी में अफेक्शन ना शो करना ये कोई रूहानियत की अलामत नहीं है, बल्कि ये एक सख्त दिल की निशानी है। हज़रत रसूल सल्लम ने एक आदमी को एक दफ़ा देखा, और वो आदमी वही सोच रहा था कि वो इस बात पे फ़ख्र कर रहा है, और कह रहा था कि सारे मेरे बच्चे हैं और मैं ना कभी किसी को गले लगाया और ना कभी किसी को चूमा, मैं सोच रहा था कि मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं कहने की। तो रसूल सल्लम फरमाया कि मैं क्या कर सकता हूँ अगर आपके दिल से अल्लाह ने रहम ही निकाल लिया, अगर रहम और कंपैशन आपके दिल से निकाल लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत दीनदार होने का साइन नहीं है कि आप अपने घर वालों से अफेक्शन ना शो करें। रसूल सल्लम अल्लाह ताला से सब ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और रसूल सल्लम सब ज़्यादा रहम करने वालों में से थे।